तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब यार। तो आज मैं बहुत एक्साइटिंग हो रहा हूँ भाई, सिंगा भाई के साथ जो मेरा कंपटीशन होने वाला है ना भाई, आप ही बताओ। तो हम करने वाले हैं आज बेंच प्रेस का कंपटीशन, और इसको बहुत ज्यादा मैंने एडवांटेज दे रखा है कि मैंने एक हफ्ते से करीब करीब वर्कआउट ना डाइट कुछ नहीं, मैं बीमार पड़ चुका था। आज वर्कआउट शुरू करने वाला हूं, तो मैंने बोला चल आज बेंच प्रेस का चैलेंज करेंगे। और ये चैलेंज बिल्कुल फेयर होगा क्योंकि इसकी भी बॉडी वेट अराउंड 88 है, मेरी भी 89-90 है, और हाइट भी सेम, बॉडी वेट भी सेम, और करीब करीब ये पांच साल, साढ़े चार पांच साल इसको भी हो गए जिम के, मेरे भी 5.5 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट वहां भी बराबर है। तो मजा आएगा, ऐसा कोई लड़ाई वाला कॉम्पिटिशन नहीं है, फ्रेंडली बेंच प्रेस में कौन कितना ज्यादा वेट उठा सकता है और कौन कितना ज्यादा रेप्स लगा सकता है। मैंने तो इसको बोल दिया ये जितना भी लगाएगा मैं उससे 2 रेप एक्स्ट्रा ही लगाऊंगा भाई, नहीं लगा पाओगे तो देखेंगे ना, मजा आएगा। ठीक है चलो जिम में मिलेंगे, बाकी प्री वर्कआउट वगैरह ले ले, मैंने प्री वर्कआउट खा लिया तो बाकी अपना ले ले। भाई ने तो प्री वर्कआउट खा लिया यार, एग वाइट भाई ने खा चुके हैं, अब मेरे एग वाइट रह रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट एग वाइट, 5 एग वाइट खा रहा हूँ बस जल्दी से, उसके बाद यार काफी मजा आने वाला है आज। भाई मैंने तो खा लिए अंडे, मेरे अंदर आ गई पावर अब मैं अंडे यहाँ पे खा लिए हैं, और ये यहाँ पे ये दलिया दलिया, और मैं मैंने हाफ स्कूप प्रोटीन डाला है भाई, मस्त प्री वर्कआउट हो रहा है, और वहाँ बन रहा है शेक, निनाथ भाई शेक बना रहे हैं, प्री वर्कआउट एक नंबर तैयार हो गया है, देखते हैं वह जल्दी से जिम में, हु कैन बेंच मूव। तो भाई यार जिम में आ गए हैं, बस जल्दी से तैयारी कर रहे हैं बेंच प्रेस की, और वार्म अप शुरू कर रहे हैं। हाँ कर लो कर लो, जो वार्म अप करना है कर लो, जो वार्म अप करना है कर लो, मतलब यू नो, और शर्त लग गई है, जो मतलब हारेगा वो मॉन्स्टर पिलाएगा। तो गाइस यार 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हैं, और 100 किलो की बेंच प्रेस में हमारा टारगेट है 10 रैप दोनों को मारना है, कौन मार पाएगा और सही फॉर्म से बिल्कुल। और उसके बाद फिर 120 पे करेंगे, कौन कितने 120 पे कर पाएगा, क्योंकि 120 हमारा लास्ट सेट है, 100 पे 10 तो लगा लेंगे दोनों मेरे को लगता है इसको पता नहीं है मेरा माहौल है। टफ लगा यार, एक हफ्ते नहीं डाइट लिया तो सब इसीलिए बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में सब एक हफ्ते छुट्टी नहीं करते। बहुत बड़ी लास्ट तीन ब्रेक के बाद ना, और ये 20 किलो है, ये 20 किलो है, ये 10 किलो, 20 भी 40, 10 50, और इधर 50, 100, और ये 20, 120, ऐसे 120। Let's go! मैं पहली बार 120 किलो के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मतलब अभी इसके 3 महीने में, मतलब 120 पे इजी 9-10 तो मारता था, बट मुझे अभी पता है कि 5-7 का भी तो वही ये गैप है तबियत का, तो ये मेरे से ज़्यादा ना मारता है। बहुत अच्छे, वन अप अप
अप आ गया। इससे पहले मेरा पिया है 120 पे 11 चल 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 अबे यार आज ये मॉन्स्टर पिलाएगा है ना मेरे को भी ननाद को भी और मेरे को सच में लगा था 120 पे 6 के बाद कि मैं हार रहा हूँ। अब इसको मेरे को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगा था इसने 3-4 महीने में इतनी मेहनत की होगी बट कोई काम नहीं। बट सच में बहुत बुरा परफॉर्मेंस है इसका भी मेरा भी। सो अगला बार कोशिश करेंगे सीधा पीआर मारने का। 150 मैं मतलब 150 को मार चुका हूँ। 160 मेरे को मारना है। मेरा 140 पीआर ट्राई करूँगा भाई। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी फ्लैट बेंच के बाद इंक्लाइन बेंच और वो हम मार रहे हैं स्मिथ मशीन पे। और ये है थर्ड सेट। क्योंकि स्मिथ मशीन पे क्या होता है कि जो हमारी मसल होती है वो और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करती है जितना हमारी नॉर्मल इंक्लाइन बेंच पे करती है उससे ज़्यादा इस पे करती है। इस पे माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा आता है। और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हम फुल लॉकआउट नहीं कर रहे हैं, लाइक 90% ऑफ द रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं, ऊपर जाके बिल्कुल लॉक नहीं कर रहे हैं। और इसको हम फेलियर तक कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे हम पूरी मसल बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। तो 100 किलो है, आई एम एक्सपेक्टिंग 10-12 रेपिटेशन अच्छे प्यार से। हाँ चलो, फुल लॉकआउट नहीं है तो इसलिए 10-12 ईजी लग सकते हैं। ये 70-80% हम लगा रहे हैं रेंज ऑफ मोशन। थोड़ा और ऊपर ला यश। हाँ और ऊपर, बस चल दो और खींच दे। लास्ट वन, बहुत अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट कर बहुत अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट कर। तो गाइस यार एक्सरसाइज के बीच में अपनी सेट्स के बीच में पोस्ट करते रहे ना, उससे आपकी मसल और अच्छी टोन होगी, मसल फाइबर और इंक्रीज होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सेट्स के बीच में पोजिंग करते रहना। तो यार ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है चेस्ट की, इंक्लाइन बेंच फॉर अपर चेस्ट, स्मिथ मशीन पे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि स्मिथ मशीन पे काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आता है मसल्स का। मोहन करेंगे। तो गाइस यार ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल वाले डिप्स के साथ हम लगाएंगे फ्लैट बेंच पे फ्लाई, डंबल फ्लाई। तो पहले ये है हमारी पैरेलल वाले डिप्स। भाई यहाँ वेटेड डिप्स लगा रहे हैं, वेटेड लगाते हैं। फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। वॉच भाई चेस्ट के साथ यार ट्राइसेप का वेरिएशंस कर रहे हैं। दो एक्सरसाइज लेंगे ट्राइसेप की। पहली हमारी पुश डाउन है,
पुश डाउन के साथ ऑल्टरनेट सेट हमारा ये लगेगा यहाँ पे डायमंड पुशअप्स, ट्राइसेप वाले डायमंड पुशअप्स। गाइस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, फ्लैट बेंच क्लोज ग्रिप पुश करके लानी है एकदम, कम ऑन 20 सेकंड्स। सो 90 सेकंड तक जितने रैप्स लगे आई थिंक मैंने 40 कुछ किए हैं। बहुत मज़ा आता है, आप ट्राई करना, बहुत पंप आता है। मैं ऐसे सेट्स इंक्लूड करता हूँ हाइपरट्रॉफी के लिए, बहुत प्यारा। और यहाँ हम फुल लॉकआउट नहीं कर रहे हैं फिर से, मैं स्मिथ मशीन पे पूरा लॉकआउट करना पसंद नहीं करता, हल्का ऊपर छोड़ना पसंद करता हूँ। चलो 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 चलो, ठीक है रिलैक्स। चलो कम ऑन, चलो बहुत बढ़िया।